नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। अपने अतरंगी आउटफिट्स और बेबाक स्टेटमेंट्स की वजह से चर्चा में रहने वाली उर्फी जावेद विवादों में फंस गई हैं। उर्फी जावेद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है और उनके ऊपर पब्लिक प्लेसेस और सोशल मीडिया पर अश्लीलता और अवैध हरकतें करने का आरोप लगाया गया है। अंधेरी पुलिस ने रविवार 11 दिसंबर को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उर्फी जावेद के कपड़ों को लेकर आए दिन बवाल होता ही रहता है। कभी वो अतरंगी चीजों से बनी ड्रेसेस पहन लेती हैं, तो कभी कुछ ऐसा कह जाती हैं जो लोगों को रास नहीं आता। यहाँ तक कि साड़ी और सूट जैसे सभी ड्रेसेस में भी उर्फी ग्लैमर का तड़का लगा ही देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल होना पड़ता है। लेकिन उर्फी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार उर्फी जावेद के खिलाफ अंधेरी पुलिस स्टेशन में वकील अली काशिफ खान देशमुख ने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस को ये शिकायत 9 दिसंबर को मिली थी, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उर्फी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई हो। इससे पहले भी एक शख्स ने दिल्ली में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। यहाँ पर भी उनके ऊपर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा था। तो वहीं उर्फी म्यूजिक वीडियो हाय हाय ये मजबूरी गाने में अपनी रिवीलिंग आउटफिट की वजह से कानूनी पचड़े में फंस चुकी हैं। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अलबेली उर्फी एक बार फिर से एयरपोर्ट पर साड़ी पहने हुई नजर आई, जहां उर्फी बार बार अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। क्या आपको लगता है उर्फी पर इसका कोई असर होगा? बहरहाल आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट करके बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।